हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल राम राम, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल K2K मोटो व्लॉग्स। दोस्तों, वीडियो के टाइटल को देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे जिक्सर SF150 का यमहा R15 V3 के साथ। दोस्तों, नो डाउट सुजुकी जिक्सर SF150 कम्पीट करेगी यमहा R15 V3 के साथ, क्योंकि ये एक फुल्ली फेड बाइक है और इस बाइक की भी इम्प्रेसिव पावर आउटपुट है। जिक्सर SF150 के अगर हम राइवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला नाम आता है यमहा R15 V3 का। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार बात करते हैं इन दोनों बाइक्स के डिफरेंसेस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि यमहा R15 V3 में 155 सीसी का इंजन है, तो इन दोनों बाइक्स की डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों बाइक्स की पावर आउटपुट में काफी डिफरेंस है। जिक्सर SF की मैक्सिमम पावर है 14.1 HP एट 8000 RPM एंड यमहा R15 V3 की मैक्सिमम पावर है 19.3 HP एट 10000 RPM। तो दोस्तों, यहाँ पे काफी डिफरेंस है दोनों बाइक्स की पावर में, ऑलमोस्ट 5 HP का डिफरेंस है दोनों बाइक्स की पावर आउटपुट में। तो दोनों बाइक्स में सेम डिस्प्लेसमेंट होने के बावजूद भी पावर में इतना डिफरेंस बहुत मायने रखता है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड डिफरेंस के बारे में। सेकंड डिफरेंस है टॉर्क का। जिक्सर SF में मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है 14 न्यूटन मीटर एट 6000 RPM और यमहा R15 V3 में मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है 14.7 न्यूटन मीटर एट 8500 RPM। तो दोस्तों, यहाँ पे टॉर्क में डिफरेंस है 0.7 न्यूटन मीटर का, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे RPM के बारे में तो जिक्सर SF में मैक्सिमम टॉर्क मिलता है लो RPM पे, लेकिन यमहा R15 V3 में मैक्सिमम टॉर्क मिलता है 8500 RPM में। तो यहाँ पे बेटर टॉर्क है जिक्सर SF150 में। तो अब हम बात करते हैं थर्ड डिफरेंस के बारे में। थर्ड डिफरेंस है इन दोनों बाइक्स का इंजन। दोस्तों, दोनों बाइक्स के अंदर फ्यूल इंजेक्शन इंजन है, लेकिन जिक्सर SF150 में फ्यूल इंजेक्टेड एयर कूल्ड इंजन है, इसमें लिक्विड कूलिंग नहीं मिलती, और यमहा R15 V3 में फ्यूल इंजेक्शन के साथ लिक्विड कूलिंग भी है। तो दोस्तों, यहाँ पे बैटरी इंजन है R15 V3 में, और R15 V3 में VVA टेक्नोलॉजी भी है, जिसकी वजह से इस बाइक की माइलेज और परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। VVA टेक होने की वजह से इस बाइक में मैक्सिमम पावर आउटपुट मिलती है, तो R15 V3 में ये एक प्लस पॉइंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में। जिक्सर SF150 में 5 स्पीड गियर बॉक्स है और इसमें असिस्टेंट स्लीपर क्लच नहीं है, लेकिन यमहा R15 V3 में 6 स्पीड गियर बॉक्स है और इसमें असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी है, जिसकी वजह से अप शिफ्टिंग और डाउन शिफ्टिंग काफी स्मूथ हो जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो है ब्रेकिंग सिस्टम। जिक्सर SF150 में फ्रंट में भी सिंगल डिस्क है और रियर में भी सिंगल डिस्क है, और जिक्सर SF150 में सिंगल चैनल ABS है, लेकिन यमहा R15 V3 में ड्यूअल डिस्क के साथ ड्यूअल चैनल ABS भी है। तो दोस्तों, यहाँ पे बेटर ब्रेकिंग सिस्टम है यमहा R15 V3 में। अगर हम बात करें दोनों बाइक्स के सस्पेंशन के बारे में, तो दोस्तों, दोनों बाइक्स के सस्पेंशन में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों बाइक्स में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन है। नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, जो है दोनों बाइक्स का वेट। जिक्सर SF150 का वेट है 146 kg और यमहा R15 V3 का वेट है 142 kg। तो दोस्तों, R15 V3 4 kg लाइटर है जिक्सर SF150 से, और R15 V3 का पावर टू वेट रेशियो भी बेटर है जिक्सर SF150 से। तो दोस्तों, ओवरऑल यमहा R15 V3 ज्यादा पावरफुल बाइक है। नेक्स्ट डिफरेंस है दोनों बाइक्स का एक्सशोरूम प्राइस। जिक्सर SF150 का एक्सशोरूम प्राइस है 1.10 लाख और यमहा R15 V3 का एक्सशोरूम प्राइस है 1.40 लाख। तो दोस्तों, ये सारे थे इन दोनों बाइक्स के डिफरेंसेस। अब हम बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में। दोस्तों, अगर हम बात करें ओवरऑल डिफरेंसेस के बारे में, तो यमहा R15 V3 में आपको लिक्विड कूलिंग मिलेगी, प्लस 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा, प्लस इसमें VVA टेक्नोलॉजी भी है और असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी है, और इसमें ड्यूअल चैनल ABS भी है, और इस बाइक की पावर भी ज़्यादा है। तो अगर हम 30,000 रुपीज़ ज़्यादा पे कर रहे हैं R15 V3 के लिए, तो ये वर्थ है, क्योंकि ये सारे फीचर्स यमहा R15 V3 के प्राइस को बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं। तो 30,000 रुपए अगर हम ज्यादा देते हैं R15 V3 में, तो वो बिल्कुल जस्टिफाई है, क्योंकि उसमें फीचर्स भी हमें ज्यादा मिल रहे हैं। तो दोस्तों, नो डाउट यमहा R15 V3 बेटर बाइक है जिक्सर SF150 से। यमहा R15 V3 एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाली बाइक है, और इस बाइक में जितने अच्छे फीचर्स हैं, ऐसे फीचर्स कोई भी कंपनी नहीं देती 150 सीसी की बाइक में। तो दोस्तों, नो डाउट इन दोनों बाइक्स में से विनर है यमहा R15 V3। लेकिन अगर आपका बजट कम है, तो जिक्सर SF150 भी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस बाइक की बॉडी ग्राफिक्स और इसका डिजाइन पहले से काफी अच्छा हो गया है। और R15 V3 को छोड़ के अगर बाकी बाइक्स के साथ इस बाइक का कंपैरिजन करें, तो जिक्सर SF150 की पावर भी काफी अच्छी है। तो जिक्सर SF150 भी आप परचेज कर सकते हो अगर आपका बजट थोड़ा कम है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। कीप वॉचिंग वीडियोस ऑन K2K मोटो व्लॉग्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।